नमस्कार दोस्तों, यदि आप SBI के ग्राहक हैं और आप SBI का योनो लाइट SBI करके जो ऐप आता है वो आप इस्तेमाल करते हैं तो आप सबको पता है कि उसके अंदर आजकल एक नया अपडेट आया है। अपडेट ये है कि यदि आपका मोबाइल नंबर जो बैंक में रजिस्टर है वो यदि आपके मोबाइल में मौजूद होगा तभी आप योनो लाइट SBI ऐप का इस्तेमाल कर पाएंगे। अब कई लोगों के मोबाइल नंबर रजिस्टर है फिर भी वो योनो लाइट SBI के अंदर लॉग इन नहीं कर पा रहे, वो टेक्निकल इशू का प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं पा रहे हैं एंड सिम सर्विस इज नॉट अवेलेबल एंड अलग प्रकार की जो भी टेक्निकल इशू है वो योनो लाइट SBI ऐप के अंदर आ रही है। तो दोस्तों आपको इसका यही सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम इस प्रकार की आ रही है, टेक्निकल इशू आ रहा है, इसका A to Z सॉल्यूशन क्या है आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। यदि आपको भी जानना है तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक बने रहेगा। दोस्तों मैं उस प्रकार चौबे और आप देख रहे हैं चौबे टेक्निकल। दोस्तों आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास योनो लाइट SBI ऐप पड़ा है। इसको मैंने ऑलरेडी जिसने भी मतलब प्ले स्टोर पर जाकर योनो लाइट SBI करके जो भी ऐप है आप देखिए मैंने अपडेट कर लिया है अपने योनो लाइट SBI के अंदर। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर ओपन पे क्लिक किया, जब मैंने इसको कर लिया अपडेट योनो लाइट SBI ऐप को, तो यहाँ पर मुझसे कहता है कि आप अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कीजिए, प्लीज़ सेलेक्ट मोबाइल नंबर एंड रजिस्टर विथ SBI, यानी कि उस नंबर को सेलेक्ट कीजिए जो SBI के साथ रजिस्टर है एंड यहाँ पर आपसे चार्जेस जो भी चीज़ें हैं काटी जाएगी, मतलब आपके मोबाइल में SMS पैक होना चाहिए तभी आप अपने यहाँ पर काम कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों आपको एक बात सच्चाई बता देता हूँ, ये मेरा जो भी सिम है एक नंबर या फिर दो नंबर, ये दोनों ही SBI के अंदर रजिस्टर नहीं है, सीधी सीधी बात है। इसका सबूत मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए बैक यहाँ पर देखिए मैंने एक मतलब ऐसे ही ट्राई मारा था तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ नजर आ गया, डियर कस्टमर योर मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर फॉर दिस अकाउंट नंबर, ठीक है। अब देखिए मैंने एक नंबर सिम से मैसेज किया है, आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ ये मैसेज मैंने इनके साथ किया है, ये मेरे पिताजी का अकाउंट नंबर है, इसको मैंने सिम नंबर एक से मैसेज किया था, ठीक है, इसी तरह ट्राई मारने के लिए। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही मैसेज किया तो अपने एक नंबर सिम से मैसेज किया था तो यहाँ पर उन्होंने मुझे मैसेज भेज के वापस भेज दिया यहाँ पर कि डियर कस्टमर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है। अब चलिए यहाँ पर एक नंबर सिम की मैंने स्थिति आपको दिखा दी, अब एक नंबर सिम की स्थिति मैंने दिखा दी, अब यहाँ पर ये मोबाइल नंबर मेरा रजिस्टर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, यहाँ पर सबूत आपको मैंने दिखा दिया है। अब यहाँ पर मैं प्रोसेस्ड पे क्लिक करता हूँ, ठीक, यहाँ पर मैं सिम को सिलेक्ट करता हूँ एक नंबर एंड इसको प्रोसेस्ड पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर मेरा रिचार्ज भी ऑलरेडी इसमें 599 वाला है, ये मतलब देखिए आपको दिखा देता हूँ ये भी, मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास 599 वाला एक रिचार्ज ऑलरेडी कराया हुआ है जिसमें अनलिमिटेड पैक मिलता है, ये आप समझ सकते हैं, आपको मैंने सबूत के लिए दिखाया। चलिए बैक चलते हैं, अब यहाँ पर मैं प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ, ये मोबाइल नंबर मेरे बैंक के साथ बिल्कुल भी रजिस्टर नहीं है लेकिन इसमें SMS पैक अनलिमिटेड वाला कराया हुआ है एंड ये मैसेज अभी थोड़ी देर में जाएगा एंड इसको अभी वेरीफाई ये कर लेगा हाथों हाथ, हम वेट करते हैं एक्टिवेशन। देखिए यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर ये रजिस्टर नहीं है फिर भी मुझे यहाँ पर आगे भेज दिया गया है और ये लोग क्या कहते हैं हम सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं, ये क्या खास सिक्योरिटी है, ये अगर सिक्योरिटी होती तो मुझे बोल देता है कि मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर। अब ठीक है, अब चलिए कोई दिक्कत नहीं, कई लोग क्या कर रहे हैं मान लीजिए इस स्टेज यहाँ तक आ जाते हैं उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर है फिर भी अपना यूजर नेम और पासवर्ड भी दर्ज करते हैं ना और रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो भी ये अंदर नहीं जाने देता है सही यूजर नेम और पासवर्ड डालने पर भी, ठीक है, तो यहाँ पर सीधी बात है इसका ना टेक्निकल इशू, आप कुछ भी कर लो कुछ नहीं होने वाला। अब चलते वापस बैक चलते हैं, अब यहाँ पर देखिए मेरे पास एयरटेल का सिम है, एयरटेल में मैंने क्लिक किया एंड प्रोसेस्ड पे क्लिक किया, अब मैं प्रोसेस्ड अभी क्लिक करूँगा ना तो ये मुझे आगे नहीं भेजेगा, आगे इसलिए नहीं भेजेगा क्योंकि मेरे इस एयरटेल वाले नंबर के अंदर रिचार्ज 49 वाला कराया गया है। अब 49 वाला कराया मैं दिखा देता हूँ सबूत, यहाँ पर एयरटेल में क्लिक करता हूँ, ये देखिए मैं एयरटेल का ऑफिशियल ऐप मतलब जो मेरा दो नंबर सिम है उसके अंदर आ चुका हूँ एंड यहाँ पर मेरे पास देखिए 21 दिन की वैलिडिटी वाला कोई है जो मतलब ये कुल मिला के बैलेंस, इस पर मैं क्लिक करता हूँ एक बार, यहाँ पर मैंने के लिए बैलेंस एंड रिचार्ज, अब यहाँ पर देखे कह रहा है कि 38 रुपये मेरे पास पड़े हैं, 21 दिन बाद ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। कुल मिला के मेरे पास ये जो रिचार्ज है ये 49 वाला मैंने कराया था, ठीक है, तो इसमें 49 का कराया था जिसमें कोई भी रिचार्ज पैक के अंदर SMS पैक वाला सिस्टम नहीं है, तो अनलिमिटेड SMS पैक वाला सिस्टम नहीं है, आपको एयरटेल का सिम है तो आपके पास 129 या फिर 129 से ऊपर का रिचार्ज होना चाहिए। अब मान लीजिए आपने रिचार्ज करवा भी लिया, रिचार्ज मान लो आप करवा भी लेते हो, प्रोसेस पर क्लिक करते हो, यहाँ देखिए मैं तो फिलहाल इसमें तो मेरे पास पैक नहीं है, ये मुझे मना कर देगा, ठीक, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कह दिया फेल्ड टू इनिशिएट SMS वेरिफिकेशन प्रोसेस, काइंडली मेक श्योर दैट योर रजिस्टर सिम कार्ड इज एक्टिव विथ ए वैलिड SMS प्लान एंड सफिशियंट बैलेंस टू इनिशिएट द SMS वेरिफिकेशन प्रोसेस। कुल मिला के कह रहा है कि आप यहाँ वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका कोई SMS वाला प्लान वाला नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर दो बात तो क्लियर होगी कि SMS वाला प्लान होगा तो ये आपको भेज देगा आगे भले आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर हो या फिर नहीं हो, क्योंकि ये दोनों सिम ही मेरे SBI के अंदर रजिस्टर
नहीं है, ये सबसे पहली बात। तो कुल मिला के योनो लाइट एसबीआई के अंदर टेक्निकल इशू है, आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर भी होगा एंड आपका रिचार्ज यदि क्या कहते हैं पूरा होगा तो भी आपको आगे भेजा जाएगा एंड आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करेंगे तो भी आपको आगे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। एंड दोस्तों मान लीजिए आप सोचेंगे कि मान मेरा मोबाइल नंबर ये रजिस्टर है, मान एयरटेल वाला, ये मान लो मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर ऐसा सोच लेता हूँ और मैं अपना रिचार्ज करा लेता हूँ 129 वाला, ठीक है, 129 वाला मान लो रिचार्ज करा भी लेता हूँ एंड प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ तो आगे मुझे यूजर नेम और पासवर्ड तो पूछेगा, लेकिन जैसे आप यूजर नेम और पासवर्ड अपना दर्ज करेंगे तो भी आपको ये आगे नहीं जाने देगा। ये कई लोगों की ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन यहाँ का सबसे बेस्ट यही है कि आप योनो लाइट एसबीआई को अभी कुछ दिनों के लिए, जैसे हो सकता है 15 या 10 दिन के अंदर ये आप इसको सुधार उधार कर लेंगे एसबीआई वाले, पता नहीं क्या करेंगे, बट आप इसका इस्तेमाल करना अभी फिलहाल बंद कर दीजिए। आप इस्तेमाल कीजिए यहाँ पर योनो एसबीआई ऐप का, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। देखिए एक लाइट ऐप आता है और एक ऑफिशियल ऐप है, इसका मेन ऐप यही है, तो आप इस ऐप का इस्तेमाल कीजिए। इसमें बहुत सिंपल सामान्य सी बात है, इसमें वही बात है कि आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड पता होना चाहिए। यहाँ पर जैसे हम आते हैं, अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड तो पता ही नहीं है, क्या करें हम। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, आपको अपना लॉगिन पे क्लिक करके, यहाँ पर मेरी ऑलरेडी आईडी बनाई हुई है, मतलब यूजर नेम और पासवर्ड मुझे पता है। देखिए यहाँ पर एम पिन दर्ज करने कहता है एंड यूजर नेम दर्ज करने, यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करने कहता है। तो कुल मिला के आपको योनो एसबीआई का ऐप इस्तेमाल करना है ये वाला, ठीक है। अब मैं यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन पर क्लिक करूँगा तभी लॉगिन हो जाऊँगा, ठीक। यहाँ पर देखिए मैं अपने योनो एसबीआई ऐप में लॉगिन कर चुका हूँ। तो दोस्तों आप अभी फिलहाल योनो एसबीआई ऐप का इस्तेमाल कीजिए अपने यूजर नेम और पासवर्ड के सहारे, ठीक है। और आपको अपने यूजर नेम और पासवर्ड नहीं पता है तो मेरी इस वीडियो को देखकर आप आराम से पता कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से ही, ठीक है। दोस्तों यही आपको बताना था, आपको सब कुछ सबूत के तौर पर दिखाना था, इसलिए आप योनो लाइट एसबीआई ऐप का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि यदि आप योनो लाइट एसबीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं एंड आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है और आपके डिवाइस के अंदर मौजूद है फिर भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, तो आप योनो लाइट एसबीआई ऐप का इस्तेमाल करना अभी अभी बंद कर दीजिए। सीधी बात तो यही है, वरना मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है बैंक के अंदर, वो आपके डिवाइस के अंदर मौजूद भी है एंड आपके पास है, फिर भी आप योनो लाइट एसबीआई के अंदर आप एक स्टेप को पार कर लेते हैं, फिर आपसे वहां पर यूजर नेम और आपसे आपका पासवर्ड मांगा जाता है, फिर भी आप उसके अंदर लॉगिन नहीं कर पा रहे, इससे अच्छा आप योनो एसबीआई का जो योनो एसबीआई जो ऑफिशियल ऐप है, जो मेन ऐप है, उसका आप इस्तेमाल कीजिए। उसके अंदर ऐसे किसी प्रकार कोई भी अपडेट नहीं है जिसके अंदर आपका मोबाइल नंबर मांगा जाए या फिर जो कुछ भी हो, तो आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड पता होना चाहिए। यदि आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड नहीं पता है आप भूल चुके हैं तो नीचे कॉमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा। दोस्तों आपको जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको इस बात की नॉलेज सके। और दोस्तों आपको इस वीडियो संबंधित या फिर योनो लाइट से रिलेटेड या फिर एसबीआई बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव को रख सकते हैं या फिर आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।